गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की लैब में किस तरह से हम प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले हमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसा कि हम किसी भी लैब में जाएंगे तो हमारा सबसे पहला जो काम यह है कि हम जब भी कोई टीचर है, जब तक वो कुछ कहे नहीं उससे पहले किसी भी सामान को टच नहीं करेंगे। या जितने भी केमिकल्स रहते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, खतरनाक है, तो आप जो टच करते हैं वाला वो फैल गया तो आपकी बॉडी की पार्ट पे कहीं वो टच हो जाता है, लग जाता है, तो आपके साथ अनहोनी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा पूछ लीजिए आपके जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं वो चेक करके देखने लगते हैं तो वो जहरीले हैं, जो हमारे सॉलिड फॉर्म में वो जहरीले होते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। और आप इसमें जैसे ये ध्यान रखते हैं, हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात में लगे हुए हैं तो आप कुछ गड़बड़ी कर दें जिससे दूसरा प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उसी जगह कुछ और हो जाए। हो सकता है आपके बगल वाले आपसे बात धक्का मुक्की में कुछ आपके साथ ऐसा आग लगाने वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपके साथ कोई हानि हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। इसके अलावा जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की जो सामग्री है, जो उपकरण है, अटेंडेंस है, उनका हम यूज करते हैं तो उनके नाम पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले उसका डिस्कस करेंगे कि किस उपकरण को क्या कहते हैं। जैसे मम्मी है कोई खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, तो रेसिपी से पहले हमें क्या करते हैं, हम क्या क्या सामग्री है उसकी लिस्ट होती है हमारे पास। तो इसी तरह हम जब प्रैक्टिकल करेंगे हम तो उसके क्या क्या इक्विपमेंट है, हम उनके उपकरण यूज करते हैं तो हम आगे की तरफ समझेंगे। और जैसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब, क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब होता है या करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास होता है इसको पकड़ने के लिए हम केमिकल है वगैरह करना है तो हम इसको इसमें होल्ड करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से टेस्ट ट्यूब को फंसा लेते हैं और हम इसके द्वारा यहाँ पे देखेंगे ये लगा होता है टाइट करने के लिए, तो हम इसे टाइट कर लेते हैं, इससे हमारी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें फंसी रहे। तो ये होल्ड कर लिया, इसलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, जैसे कोई केमिकल हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे हाथ में, यहाँ से पकड़ेंगे करेंगे हमारा हाथ भी जल जाएगा, तो इसे हम गर्म करते हैं। दूसरा जैसे हम कोई केमिकल है मान लो इसमें से ऐसे होते हैं तेजाब है, मान लो इसमें ऐसे करना है हाथ में पकड़े करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में जल सकता है तो हमारे हाथ में जल जाएगा वो। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे इसमें ऐसे आराम से कर सकते हैं पकड़े से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसको यहाँ से निकालेंगे और हमारे पास एक होती है ये, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैक, क्या बोलते हैं इसमें ये रैक बनी हुई है, इसमें ऐसे हम जैसे इसमें कोई केमिकल रखा हुआ है हमारे उस केमिकल को हम ऐसे रखेंगे और ये खड़ा भी नहीं हो सकता, तो खड़ा करने के लिए इसमें हम ऐसे इसे फंसा देंगे, ये रखा रहेगा इसे, अब ये वहाँ से फैलेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका दूसरा यूज क्या है, इस रैक को हम दूसरे से यहाँ पे लेकर के लगे हुए हैं, ये स्तंभ लगे हुए ब्लड टाइप में लगे हुए हैं, आप बात करने आए हैं यहाँ पर तो आप बात कोई दिक्कत है तो बात से बात रहे हैं बात करनी हो नंबर से। इसके बाद इसका यूज कैसे करते हैं, ये हमारे हमने टेस्ट गलती हुई है हमारे अब मुझे साफ कर दिया और हम कोई भी प्रैक्टिकल करते तो जो टेस्ट को ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए सूखी होनी चाहिए, उसे सुखाने के लिए क्या करेंगे हम इसको उल्टी करते हैं ऐसे रख देते हैं, इसका ये पानी हुआ नीचे खुला चला जाएगा और ये और किसी बने हुए इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे रैपिंग
विशेष प्रकार का स्टैंड है, इसे हम बोलते हैं ड्राई पॉड स्टैंड। क्या कहते हैं? ड्राई पॉड स्टैंड। ड्राई पॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्राई मींस होता है तीन पैर, तो इसके तीन पैर बने हुए। इसका यूज क्या है, इसके हम इसका यूज करते हैं, जैसे कोई कैंडी बना है गर्म करने के लिए यूज करते हैं। ये विशेष प्रकार का एक बर्नर होता है, इसको बोलते हैं पुलिसन बर्नर। क्या बोलते हैं? ये आते ही लगा होता है, इसके पास ये तेज लगा हुआ है, इससे इसकी हेप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लिप को बाकी जो है इसकी लो है उसे कम और ज़्यादा इसे घुमा करके कर सकते हैं। ये सबके पास, हम सबके पास अलग अलग लगी हुई है। तो ये क्या है? पुलिसन बर्नर। इसका भी प्रेजेंट में यूज किया जाता है, और जब ये जहाँ पर ये हमारा पुलिसन बर्नर उपलब्ध नहीं होता है इस समय में, उस जगह पर इसका यूज करते हैं। ये हमारी होती है स्कर्ट है, इसके अंदर स्कर्ट को भरते हैं। अब हमें मान लो पानी गर्म करना है, तो यदि पानी गर्म करेंगे तो उसकी लौ डायरेक्ट इससे टकराएगी, तो ये हमारा बर्तन है वह चटक सकता है। अतः बर्तन नहीं चटके इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे गर्म करने के लिए हम विशेष प्रकार के उपकरण का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं बायर गोज। अब इसके बाद इस बायर गोज को इस ट्राइपॉड स्टैंड पर रख देंगे, और इसके बाद जो हमारा बीकर है इस बायर गोज के ऊपर रख देंगे। अब हम स्पिट लैम्प को जलाएंगे और फिर उसे धीरे धीरे हम गर्म करेंगे। इस प्रकार हमारा केमिकल है वह गर्म होता रहेगा। अब देखेंगे जैसा कि हमारे पास हमने ये केमिकल है वह गर्म कर लिया है, अब हम गर्म केमिकल को यह डायरेक्ट उठाएंगे तो इससे हमारा हाथ जल सकता है। तो इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के उपकरण का यूज करेंगे, इसे कहते हैं टोंग। क्या कहते हैं? टोंग। तो इस टोंग की सहायता से हम गर्म जो केमिकल है उसे आसानी से उठा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे, हम केमिकल को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे हमें कोई केमिकल है पदार्थ छानना है, फिल्टर करना है, तो छानने के लिए यूज करेंगे। तो छानने के लिए क्या करेंगे, फनल लगाएंगे। फनल किस होता है? की बोलते हैं, की ठीक है, फनल। तो फनल का यूज हम दो, इसका यूज दो तरह से किया जाता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क में अब इसकी गर्दन का एक हिस्सा बहुत छोटा है, और इसमें कोई हमें केमिकल करना है तो हम इसमें इसे लगा देंगे, और यहाँ से हम मान लो इसमें पानी भर देंगे, यहाँ से इसे पानी भरेंगे, आराम जाए नहीं आ रहा है। तो हम इसकी सहायता से, और इसके नहीं होता तो क्या करते हैं, पानी चला जाता है इसके अंदर, पानी फैलता होता रहता। देखेंगे इसका दूसरा यूज क्या है। जैसे मान लो हमें कोई पदार्थ है वह छानना है, तो उस छानने के लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के एक पेपर का उपयोग करते हैं। इस पेपर को कहते हैं हम फिल्टर पेपर। तो इस फिल्टर पेपर की सहायता से हम किसी केमिकल को किस तरह से छानते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइए हम समझते हैं। तो छानने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को पहले फोल्ड करेंगे, यानी पहले से अर्धचंद्राकार रूप में फोल्ड करेंगे, फिर इसे एक बार पुनः फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर की तह को खोलकर, यानी जो हमारा फनल है उस फनल में इसे फिट कर देंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और अब हमें कोई केमिकल छानना है, तो उस केमिकल को छानने के लिए ट्राईपॉड के ऊपर से रख देंगे, और ट्राईपॉड के नीचे हम एक बर्तन लगा देंगे जिसमें हमें उस केमिकल को छने हुए भाग को लेना है, और ऊपर से हम जिस केमिकल को छान रहे हैं उसे इसमें डालेंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे हमारा वह केमिकल है छनने लगेगा, और वह जो छना हुआ भाग है वो नीचे आ जाएगा और शेष भाग ऊपर रह जाएगा। इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को साफ करते हैं। हमारे कोई कहीं हमारे कोई केमिकल एक्सचेंज बन गया है, तो टेस्ट ट्यूब से हमारे पास एक टेस्ट ठीक है, और टेस्ट ट्यूब हमें लिया, और हमें जल्दी हुई इसको ऐसे
इसके लिए हम पूरे निकालते हैं इसे। ठीक है पूरे भैया और ये पैसे ठीक है। ये इसको बोलते हैं कॉर्निकल ग्लास। क्या बोलते हैं? कॉर्निकल ग्लास। देखिए इसकी शेप है कौन जैसी है, कौन मैंने आपको बता दी हूं, कौन कौन दिया सक्षम कॉर्निकल ग्लास के ही बोले शंकुआकार ग्लास है। जैसे कोई भी पदार्थ हमें बोलना है, अब मान लो मान लीजिए ऐसे करके बोल सकते हो, अगर आप सोच रहे हो सर बोलते सुना नहीं सकते जैसे इतने पहले चीज है तो नहीं होता, तो मान ऐसे हम बोल रहे हैं तो पहली बार नहीं लिया पहली बार ऐसे लाइन के पहले होगा। अरे गोल पेंटी का ग्लास, गोल पेंटी का ग्लास, इसकी पेंटी है कली राउंड है, गोल है राउंड बॉटम वाली कली। सर ये सीधा खड़ा हो जाए नहीं हो पता नहीं हो सकता क्या लिया ग्राउंड में बॉटम ग्लास गोल है ठीक है। तो इसका यूज ही कैन या प्लस कोई केमिकल बयान कर दीजिए इसमें ये पूरे पहले इसमें बता देंगे बीच में डालता है यहाँ आता है ठीक है बयान कर दीजिए। इसके बाद ये बॉटम ग्लास हुआ, ये हमारा ये वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं ये हमारा होता है मेजरिंग ग्लास। ठीक है इसमें केमिकल को मेजर करते हैं नापते हैं कोई अलग अलग अमाउंट में आता है। ये पानी ये हमारे ढाई सौ मिल रहा है कितने मिल रहा है ऐसे पाँच सौ मिल रहा है एक किलो का अलग ये भी आते थे ये बड़े रखते हैं बड़े 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 रखते हैं इसका यूज आपको कितने ट्वेल्थ क्लास में इसका यूज करते हैं जब कि बताते हैं हाइड्रेशन तब आप इसका यूज होता है। ठीक है तो अभी आप इसका जो नाम समझ लें इसको बोलते हैं मेजरिंग क्लास को बोलते हैं इसके बाद ये इसको हम क्या बोलते हैं ये स्टैंड समझेंगे इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। थोड़ा नीचे कर क्या बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड ब्यूरेट यानी ये इसमें के लगा हुआ नहीं इसको ब्यूरेट बोलते हैं ठीक है। अब इसमें ये इसमें ये नहीं लगा रहा है इसको दवा की इसको जो बता रही है ना ये इसे दवाएंगे तो इसके खुल जाएगा ये ठीक है। इसमें हम इसे चेक कर लेंगे भैया हमारा ब्यूरेट स्टैंड है बात नहीं किया करो कुछ ही समझा रहे होगा तो बिल्कुल कहना कि यहाँ के हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है और प्यार से सुनते हैं आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं चलता और वहाँ से डी एस एस के अलवा बच्चे आते हैं जो बिल्कुल बढ़िया बच्चे आते हैं पता नहीं तुम लोग कितने बात करते हैं इसमें पहली बार ऐसा होता है वहाँ के बच्चे हवा रात में बहुत ही प्यार से अच्छी तरह से सुन के जाते हैं ठीक है। हम लोग हमारी तरफ तारीफ करते बाद में हाई स्कूल वाले इस बार पता नहीं ऐसी कोई पढ़ी भी पढ़ नहीं आए हर बार बच्चे आते प्रॉपर ही नहीं पढ़ने आते आगे ना भी नहीं आए। ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है ये हमारा ब्यूरेट इसका यूज क्या है यहाँ के ऊपर तक आप केमिकल भर लेंगे जीरो तक फिर नंबर पर आप जीरो वन टू थ्री करके और यहाँ तक 50 एम एल है कितने एम एल का इसमें हम केमिकल भर लेंगे और हमें धीरे धीरे जितना केमिकल चाहिए उतनी केमिकल को यहाँ से ये ड्रॉप यहाँ लगा हुआ है इसमें खुलते जाएंगे यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके घूम घूम करके ठीक है। तो ये हमारा केमिस्ट्री की लैब में इसका यूज भी हम ट्वेल्थ क्लास में करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि पेट क्या बोलते हैं कि पेट तो इसका यूज क्या है हमारा 25 एम एल का है ये अगर 10 एम एल में 15 एम एल में 20 एम एल में अलग अलग बॉडी में आता है तो यहाँ पे देखेंगे ये किचन बन रहा है ये यहाँ तक 25 एम एल तो यहाँ तक इसे बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ेंगे जैसे हमारे पास ये पानी पकड़ो
रगड़े लेना और हम इसे ऐसे नीचे कर थोड़ा नीचे से नीचे अंदर ध्यान रखेंगे कि मुंह नहीं चलाएंगे ठीक है इसे नहीं तो बोल देंगे हम बताएंगे यहाँ से अलग बर्तन में लेना है तो हम क्या करेंगे ऐसे दूसरे इसमें हमें यहाँ से ट्रांसफर किया तो हम इसे हवा को हटा देंगे यहाँ से तो इस तरह से हमारे ये 25 है इसमें से हमें अलग कर दिया ठीक है तो इसका भी यूज तो करेंगे 12th क्लास में आप आ जाएंगे तो हम टाइट्रेशन जब करते हैं तब इसका यूज किया जाता है तो इसमें नाम क्या बताया था मैंने अगर याद है किसी को थोड़ा साइड में खड़े हो वैसे सबको देखेगा पीछे हो जाओ थोड़ा और पीछे हो जाओ और पीछे हो बस अब समझते रहना यहाँ से कोई सांस नहीं ले रहा गर्ल्स भी आ गया और थोड़ा नहीं उधर से कौन है मुस्लिम क्यों और इसे क्या बताते हैं तो इतनी सारी चीजें आप समझ चुके हैं यहाँ पे अच्छी तरह से ठीक है क्या कोई बता सकता है मैंने इसका क्या नाम बताया टॉम टॉम क्या बताया था टॉम फिल्टर पेपर अरे राजकुमार जी वो होगा आपका वो कहाँ गया देखेंगे ये कहते हैं बायर बॉच के नाम से देखेंगे इसके बाद हमारे पास ये है इसको कहते हैं पासिंग की निकास नदी निकास नदी क्या होती है जैसे हमारे पास ये है गैस ट्यूब हमने कोई गैस बनाई मान लो तो उन गैस बनने वाली गैस को हमें एक और टेस्ट ट्यूब हमारे पास मान लो ये टेस्ट ट्यूब इस वाली गैस को इसमें नाम है तो क्या करेंगे पहले इसमें ऐसे फंसा देंगे ठीक है इसको इसमें ऐसे करेंगे यहाँ से बंद कर लेते हैं और यहाँ पे से डर डालते हैं तो इस तरह से हमारी जो गैस है इसमें ट्रांसफर हो जाएगी ठीक है तो इसको हम कहते हैं पासिंग ट्यूब कहते हैं या निकास नहीं जाति से इसका भी ट्वेल्थ क्लास में हम पढ़ते हैं आज के जो टेंथ क्लास में बहुत ही छोटे स्तर के प्रैक्टिकल हैं लेकिन आप ट्वेल्थ में आएंगे ट्वेल्थ के ऊपर आपके बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स हैं तो ये हमारे आपको छोटे छोटे जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं उनका बेसिक टेम्परेचर होती है इतने उपकरण हम यहाँ पे यूज करते हैं कि ठीक है जिनमें जो बड़ी लैब होती है बड़े स्तर की और बड़ी लैब में हम और भी सारे बहुत सारे वहाँ पे उपकरण रखे होते हैं लेकिन ये बड़ी इसमें समय हम यहाँ पर ये वाला ये हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इक्विपमेंट है इसको हम कहते हैं किप्स एथलेटस किप्स एथलेटस इसका यूज़ क्या है इसका यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में
ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2S। H2S क्या कहते हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कैसे बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से इसे खोलते हैं, ये हम इसको खोलेंगे इस तरह से। इसे खोलने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले भाग में हम फेरस सल्फाइड अलग से आकर फेरस सल्फाइड इसके अंदर भर देंगे। फेरस सल्फाइड भरने के बाद इसके जो ये बंद कर देंगे यहाँ से रेक्टम से इसको, और इसे बंद करने के बाद यहाँ से भी इसे फैट कर देंगे यहाँ से, और ये ऊपर वाला जो पोर्सन है इस पोर्सन से क्या डालेंगे, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फाइड इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर क्या था फेरस सल्फाइड, और ऊपर से हमने क्या डाला H2SO4। तो H2SO4 और फेरस सल्फाइड आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे जिससे हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके अंदर बन गई। अब क्या करें, हमारी गैस बन गई है, उस गैस को यहाँ से और देखेंगे कि इसके अंदर से हमारी हाइड्रोजन गैस कैसे वो निकलने लगी। हमने उस गैस को जिस बर्तन में सिलेंडर में लेना है उस हम ले लेंगे, और किसी भी केमिकल में उसे हमें पास कराना है, तो हम यहाँ से उस गैस को इसकी सहायता से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देखो सर, यहाँ पे इसको दे दो एक मिनट इसके अब देखें बेटा, ये हमारे पास एक विशेष प्रकार का जो इक्विपमेंट है, इसे हम कहते हैं लेजरिंग सिलेंडर। ये क्या करते हैं, जैसे कोई हमें केमिकल है उसको हमें बनाना है, तो बनाने के लिए हमें कितने अमाउंट में हमें वाटर चाहिए, कितने अमाउंट में हमें जो केमिकल है चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, उस केमिकल को मेजर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 1000 ml का पूरा है, 100 ml, 200, इस तरह से 1000 ml का है, तो हम 1 liter वॉल्यूम तक कोई भी केमिकल इसके द्वारा बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करेंगे इसे, देखेंगे आपको एक विशेष